क्या टॉपिक है? पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जो क्या मेजर करता है, नाम से ही पता लग रहा है। पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एक ऐसा मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, बस ये पोटेंशियोमीटर है। आपको इधर वोल्ट मीटर भी तो होता है। हाँ, वोल्ट मीटर भी करता है। तो वोल्ट मीटर जब करता है तो फिर पोटेंशियोमीटर को क्या करता है, ऐसा क्या खास करता है? पोटेंशियोमीटर आपकी वोल्टेज की वैल्यू एग्जैक्ट मेजर करता है, बिल्कुल एक्यूरेट। वोल्ट मीटर अंदाजे से करता है। वोल्ट मीटर में सुई लगी होती है, निडल लगी होती है, जैसे स्टेबलाइजर में होती है, हिलती रहती है, मतलब जैसे करंट गया हिलती रहेगी। अब ये नहीं देख पाओगे 220 वोल्ट है या 210 वोल्ट है या 205 वोल्ट है, एग्जैक्ट तो बता ही नहीं पाओगे। इसमें तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट आएगा। तो फिर आप कहोगे सर फिर यही लेके घूमते हैं क्यों, वोल्ट मीटर क्यों करते हैं? वोल्ट मीटर छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये तो एक एक मीटर लंबा, इतना डिब्बा उठा उठा के थोड़ा मेजर करोगे इसे आप। तो इसलिए ये एक्यूरेट जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली वो ज़्यादा बेटर है और जल्दी काम करता है। ठीक, उसमें कुछ करना भी नहीं होता, वो अपने आप ही काम कर देता है, फटाफट आंसर आ जाता है। इसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग लेंथ और दिखाता हूँ क्या करना है इसमें। तो पोटेंशियोमीटर क्या करेगा? पोटेंशियोमीटर देखने में कैसा है, या पोटेंशियोमीटर क्या करेगा? दो चीज़ें का आंसर दे रहा हूँ। पहला, आपने कहा कि सर एक रेजिस्टेंस है, मैंने कहा ठीक। आपने कहा इसमें करंट जा रहा है, मैंने कहा ठीक। कह रहा है इसमें मुझे ना वी बता दो कितना है, तो मैंने कहा करंट और रेजिस्टेंस बता कितनी है। वो कहता मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे इसका करंट पता ना मुझे इसकी रेजिस्टेंस पता, तो मुझे बताओ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब मैंने कहा ना करंट बता रहे हैं ना आर बता रहे हैं, करूँ क्या? तो मैं एक मीटर लेके आऊँगा जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। इसकी दो वायर्स होती हैं ऐसी, इन दो वायर्स को यहाँ कनेक्शन दे दूंगा। पोटेंशियोमीटर आपका कोई करंट लेगा नहीं, बिल्कुल 0.1 एम्पियर भी नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। और क्योंकि पैरेलल में है तो जो वी नीचे होगा अपना वी दे देगा, आंसर सेम होगा, बिना आपसे करंट लिए आपका आंसर देगा, और पैरेलल में वी रिमेंस सेम। तो ऑब्वियसली जो भी नीचे वी होता होगा, जितने भी वोल्ट जो कैलकुलेट करना है, हम यहां से मेजर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? दूसरा, आपने कहा सर बैटरी है, बैटरी की ईएमएफ है 5 वोल्ट। मैं कहा ठीक है 5 वोल्ट है, तो इस बैटरी की ईएमएफ अगर 5 वोल्ट है तो आप मुझे ये मिट गई मुझसे, सेल से मिट गई, पता नहीं कितने वोल्ट है, तो आप मुझे सेल देते हो, आप कहते हो इसका ई निकालना जरा और एग्जैक्ट निकालना। वोल्ट मीटर अगर आप लगाते हो इसके अंदर, जब करेंगे वोल्ट मीटर इसमें से कुछ करंट निकाल लेगा, और अगर किसी ने बैटरी का कुछ भी करंट बाहर निकाला तो बैटरी 5 वोल्ट आंसर देगी नहीं, 5 से कम देगी, आपका एक्यूरेट आंसर आ ही नहीं सकता वोल्ट मीटर में। पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, जब कनेक्ट कर दिया जाएगा इसके साथ, तो पोटेंशियोमीटर किसी भी सर्किट का करंट खुद लेता नहीं, कहता मैंने मेरे को चाहिए ही नहीं, रख ले अपने पास, और फिर भी मैं मेजर कर दूंगा। तो जब पोटेंशियोमीटर बैटरी का करंट निकाल ही नहीं रहा, तो एग्जैक्ट क्या मेजर करके दिखाएगा आपको? एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको ईएमएफ बोलते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये एक्यूरेट है। तो मेनली इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का काम है। तो दिखता कैसा है, ये पीएम पीएम लिखी जा रहा हूं मैं बॉक्स में, बॉक्स को खोल के देखोगे तो ये दिखेगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की अपनी बैटरी है, वो कहता है तेरा करंट चाहिए ही नहीं इसका मेजर करना, मैं अपना करंट लगाऊंगा, तो इसकी अपनी बैटरी है ये। पोटेंशियोमीटर में एक रियोस्टैट है, रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, आप चेंज करके सर्किट का करंट चेंज कर सकते हो, क्योंकि रियोस्टैट अगर बढ़ेगा तो करंट कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, वो आपके हाथ में, आप कितना सेट करना चाहते हो। पोटेंशियोमीटर की वायर तार, जैसे स्लाइड वायर ब्रिज की वायर थी, ऐसी पोटेंशियोमीटर की वायर, पोटेंशियोमीटर की वायर की रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और इसकी लंबाई है कैपिटल एल। मीटर ब्रिज में ये लेंथ 100 सेंटीमीटर होती थी, पर इसके अंदर ये 100 भी हो सकती है, 200 भी, 300 भी, 400 भी, 500 भी, जो आपके ऊपर है कितना बड़ा लेके आना है आप। 5 मीटर का तो बहुत ही बड़ा हो गया, 1 मीटर बहुत होता है। ठीक, पर हाँ फिक्स नहीं है, इसका नाम मीटर ब्रिज नहीं है तो ये 1 मीटर की नहीं होगी, हो भी सकती है, पर मीटर ब्रिज का नाम ही 1 मीटर है तो फिर वो मीटर ब्रिज ही है। सही है यहाँ तक? तो ये एल क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर वही जॉकी और एक गैल्वेनोमीटर, और ये वो वायर जहां पर कनेक्ट करके आप पोटेंशियल डिफरेंस जिसका निकालना चाहते हो निकाल लेना। तो क्या कैसा दिखता है पोटेंशियोमीटर, क्लियर है? अब नेक्स्ट काम क्या करना है, पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है? सपोज आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है आर और कनेक्टेड बाय सम बैटरी ई डैश, ऐसे
ना मुझे ये पता, ना मुझे ये पता, मुझे इतना पता है इसमें करंट जा रहा है, कितना जा रहा है मुझे ये भी नहीं पता कितना जा रहा है, और मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं क्या लगाऊंगा इसके पैरेलल में पोटेंशियो मीटर की वायर यहाँ और यहाँ लगाऊंगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो ये डायग्राम में ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली में क्या हो रहा है, ये छोटा है और पोटेंशियोमीटर, ये पूरा डिब्बा पोटेंशियोमीटर का है। तो पोटेंशियोमीटर की दो वायर्स थी वो यहाँ मैंने कनेक्ट कर दी, पोटेंशियोमीटर में अपनी बैटरी है, रियोस्टैट है, ये वायर है जिसकी खुद की लेंथ कैपिटल एल है और रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो लगा दिया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर काम कब करता है, रूल नंबर वन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ पोटेंशियोमीटर काम ही नहीं करेगा। क्या कंडीशन है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आनी चाहिए, जीरो। शुरू में गैल्वेनो जब आप कनेक्ट करते हो किसी भी सर्किट को पोटेंशियोमीटर के साथ, तो करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ भी जाएगा, कुछ इसका करंट आएगा वो यहाँ जाएगा, और कुछ यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा और वो यहाँ भी आएगा, यानी कि हर वायर में करंट ही करंट है। दो बैटरीज हैं, हर वायर में करंट ही करंट है, लेकिन हमने क्या करना है, इस जॉकी को मूव करना है लेफ्ट या राइट। हम जॉकी को ऐसी पोजीशन पे ले आएंगे कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो जीरो पे आ जाएगी, यानी कि वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, और अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी यानी कि इस वायर में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसको बोलते हैं, और ये लेंथ एक स्केल से मेजर कर ली जाती है, मान लो वो छोटी एल है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, बिल्कुल सेम जैसे मीटर बीच में होता था, तो ये बैलेंसिंग लेंथ है। पर ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा हुआ क्यों, उसमें तो चलो एक लॉजिक था P by Q, R by S, वो हमने वीटस्टोन ब्रिज किया था, इसमें तो वीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि दो रेजिस्टेंस की रेशियो बराबर होगी तो गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, इमेजिन करो आप मान लो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कितना है V2, और इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज कितना है V1, शुरू में हर वायर में करंट था, आपने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जैसी जीरो सेट की तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम, पैरेलल में सेम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, या इसमें करंट जीरो क्यों हो गया, क्योंकि सोचो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि गैल्वेनोमीटर की क्योंकि रीडिंग जीरो आ गई तो यहां का पोटेंशियल अगर V1 है तो यहां का पोटेंशियल भी एग्जैक्टली क्या होगा, V1 ही होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्या हो गया, जीरो, तो तभी तो गैल्वेनोमीटर जीरो शो कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो, नहीं होता फिर ये किसी काम का नहीं है, पर अगर ऐसा हो जाए तो फिर यहां और यहां का पोटेंशियल सेम मानना पड़ेगा, तभी इसमें करंट नहीं जाएगा, और क्योंकि ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो ऑब्वियसली अगर ये V2 पे तो ये भी मानना पड़ेगा V2 पे है, यानी कि ना तो अब करंट इसमें जाएगा V2 - V2 जीरो, ना करंट इसमें जाएगा V1 - V1 जीरो, दोनों ब्रांचेस में करंट नहीं जाएगा। तो फिर करंट कहां गया, इसका करंट आएगा घूम के ऊपर ही ऊपर, यहां चला जाएगा, इनमें नहीं जाएगा, इसका करंट आएगा घूम के नीचे नीचे चला जाएगा, इनमें नहीं जाएगा, यानी कि फाइनल सिचुएशन बैलेंसिंग लेंथ पे क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि करंट इसका ऊपर घूमेगा और इसका करंट नीचे घूमेगा, इन वायर्स में करंट नहीं आएगा, हम बोलते हैं कि ये कौन सी लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है यहां तक। फिर से सपोज आपको यहां वी मेजर करना है, अगर आपको यहां पर वी मेजर करना है, आप इमेजिन करें कि यहां पर पोटेंशियल 2 वोल्ट है, यहां पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इमेजिन कर वैल्यूज के साथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट है। तो हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाए, जीरो, मान लो मिल गई, और अगर मिल गई, इसको तो मिलना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं न्यूमेरिकल, ये पॉइंट मिला मिलाया होता है, क्योंकि अगर ये ही नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, वो बैलेंस देगा ही देगा। तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आएगी आएगी, तो अगर ये जीरो आएगी, तो अगर ये 2 वोल्ट है तो ये पॉइंट भी एग्जैक्टली 2 वोल्ट है, क्योंकि 2 में से 2 गया जीरो, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ गई, जीरो। क्लियर है यहां तक? और अगर ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो यार टोटल अगर 8 है तो इसको भी तो 8 होना है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा ना, तो 10 में से 10 गया जीरो, कोई करंट नहीं,
दो में से दो गया कोई कर, तो यानी कि फिर इसका करंट कहां गया, यहां आया, इसका करंट कहां गया, यहां आया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जब भी पोटेंशियोमीटर बैलेंसिंग लेंथ पे होगा तो इसका करंट ऊपर, उसका करंट नीचे, नहीं यहां नहीं जाएगा, इन दो वायर में नहीं जाएगा, अपना अपना करंट बांट लेंगे ये, क्योंकि पोटेंशियोमीटर कहते हैं मेरे को तेरा करंट चाहिए ही नहीं यार, तू रख अपने पास, तो बैलेंसिंग लेंथ मैं अपना यूज करूंगा। तो पोटेंशियोमीटर का करंट है क्या, ई डिवाइडेड बाय आर एच रियोस्टैट की रेजिस्टेंस प्लस इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस छोटी आर है, करंट है, दिस इज करंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसका मुझे चाहिए ही नहीं, छोड़ दो इसे। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और क्योंकि ये बैलेंस्ड है पोटेंशियोमीटर, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है, तो मैं यहां से कुछ लूंगा नहीं, मैं यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो यहां होगा वही तो नीचे होगा। तो इसलिए मजे की बात यह है कि जब बैलेंसिंग लेंथ आ जाती है, हमें नीचे का सर्किट चाहिए ही नहीं, हम यहीं से निकाल देंगे वी कितने। तो हम क्या करेंगे, यहां और यहां के बीच में लेंथ एल है, यहां पे ओम लॉ लगा लेते हैं। ओम लॉ क्या है, ओम लॉ है कि जो भी अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दो पॉइंट्स में यहां से यहां तक का, तो आप ये बताओ कि इसमें करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल, ओम लॉ, आई इनटू स्मॉल एल, तो रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल। अब इस लेंथ की रेजिस्टेंस क्या होगी, अगर पूरी पोटेंशियोमीटर वायर की बात करें तो लेंथ अगर कैपिटल एल है तो रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, वन है तो आर बाय एल है, और अगर लेंथ स्मॉल एल है तो आर बाय एल इनटू स्मॉल एल है। क्लियर है यहां तक? तो रेजिस्टेंस आ गई, तो इस रेजिस्टेंस को यहां पुट कर दें और इस करंट को उठा के यहां पुट कर दें, आंसर आ गया। अब जब ये मशीन काम करेगी प्रैक्टिकली, तो सोचो आपने एक सर्किट लगाया, आप देखना चाहते हो वी कितना है, आप बस ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये ई बैटरी, ये बैटरी किसकी है, पोटेंशियोमीटर की है, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो जिस कंपनी का पोटेंशियोमीटर लेके आओगे परचेज करके, उस पर बैटरी भी तो लिखी होगी 5 या 6 वोल्ट की, आपको पता है। रियोस्टैट आप ही सेट करोगे, ये भी पता है। वायर की रेजिस्टेंस ये भी आपको पता है, पोटेंशियोमीटर की कंपनी लिख के देगी, ये भी पता है, ये भी पता है, ये सिर्फ क्या निकालनी है, बैलेंसिंग लेंथ, कुछ नहीं करना, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ निकाल दो, एल को पुट करो आंसर। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, बैलेंसिंग लेंथ के ऊपर, तो सिर्फ बैलेंस लेंथ निकालनी है आंसर। तो सोचो अगर बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, या उल्टा बोल सकते हो, अगर आपको हायर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ी होगी। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अच्छा कहां पे, यहां पे, अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला गलत है, ठीक कह रहे हो, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई हुई है, रेजिस्टेंस है आर एल बाई कैपिटल एल, राइट, करेक्शन कर लेना, आर एल बाई कैपिटल एल। अब ठीक है, अब ठीक है, तो क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? करेक्शन कर लेना इसमें। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, बैलेंसिंग लेंथ पे। तो यहां पर कांस्टेंट के आ गया, इस के की वैल्यू क्या है, वी बाय एल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब वी बाय एल। तो मुझे एक चीज का आंसर दो, अगर मैं, अगर मेरा वी ज्यादा होगा, या अगर मेरी लेंथ, एल का मतलब बैलेंसिंग लेंथ, अगर बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगी तो उस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, कम होगा। गलत, कांस्टेंट होता है ये भाई, अगर बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, अभी तो बताया मैंने, एल अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो ये तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि वी प्रोपोर्शनल टू एल लिखा तो हुआ है, वी अगर ये एल डबल होगा तो वी भी डबल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल है, तो ये कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कभी वायर का चेंज नहीं होता, अगर एल चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा।